सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ, हमारा राष्ट्रध्वज यानी हमारा तिरंगा, केसरिया सफेद और हरे रंगों से सजा हुआ हमारा तिरंगा, जिसके बीच में अशोक चक्र है, वो तिरंगा जिसको लहराने के लिए, जिसको सलाम करने के लिए इस देश के कितने ही वीर सपूतों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। यूनियन जैक को नीचे उतार कर इस तिरंगे को लहराना लोगों का एकमात्र स्वप्न रहा, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। वो तिरंगा जब हमारे देश के संसद पर, वो देश की तमाम इमारतों पर जब शान से लहराता है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं और इसकी नागरिकता को और इस तरंगे को सलाम करते हैं। हम अपने ध्वज के नीचे खड़े होकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इसकी अस्मिता को, इसके स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने देंगे। वो हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा दरअसल क्या है, वो कैसे अस्तित्व में आया और वो किस तरीके से हमारी राष्ट्रभक्ति का, हमारी अस्मिता का, हमारे गौरव का प्रतीक बना, ये आज जानेंगे। एक मुद्दा दस बातें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना पिंगली वेंकैया नंद ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिलियां हैं। राष्ट्रध्वज का सफर भी कम रोचक नहीं है। इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मान्यता दी गई। पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहलाता है, में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। दूसरा ध्वज 1907 में पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह पहले के समान ही था, लेकिन सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषि का प्रतीक थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में डॉक्टर एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के प्रतीक स्वरूप इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। चौथा ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान 1921 में बेजवाड़ा, जो कि अब विजयवाड़ा है, में फहराया गया था। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। पांचवा ध्वज वर्ष 1931 में फहराया गया। यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह भी था। 23 जून 1947 को ध्वज को आकार देने के लिए एक अस्थायी समिति का गठन हुआ। समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समिति में उनके साथ थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, के एम पणिक्कर, सरोजिनी नायडू, के एम मुंशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तिरंगे की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है। हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। मध्य की सफेद पट्टी में स्थित चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है। यह आयताकार है और इसकी लंबाई चौड़ी का अनुपात है 2:3। निर्माण में जो वस्त्र उपयोग में लिया जाए वह खादी का होना चाहिए तथा यह सूती, ऊनी या रेशमी भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सूत हाथ से काटा जाए एवं हाथ से बुना जाए। इसमें हथकरघा सम्मिलित है। सिलाई के लिए भी केवल खादी के धागों का ही प्रयोग होना चाहिए। नियमानुसार खादी के 1 वर्ग फुट कपड़े का वजन 205 ग्राम होना चाहिए।
26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के झंडा फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ध्वज संहिता का कठोरता पूर्वक पालन हो और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने पाए। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। अमानक, बदरंग, कटीफटी स्थिति वाला ध्वज फहराने योग्य नहीं होता है। ऐसा करना ध्वज का अपमान है और अपराध भी है। अतः जब कभी ध्वज ऐसी स्थिति में आ जाए तो गोपनीय तरीके से पूरे सम्मान के साथ ध्वज को अग्नि प्रवेश दिला दिया जाता है या फिर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। यही प्रक्रिया पार्थिव शरीरों पर से उतारे गए ध्वजों के साथ भी अपनाई जाती है। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले रणबांकुरों और राष्ट्र की महान विभूतियों के शवों पर भी ध्वज को उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए लपेटा जाता है। उस समय केसरिया पट्टी सिर की तरफ एवं हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शहीद या विशिष्ट व्यक्ति के शव के साथ ध्वज को जलाया या दफनाया नहीं जाना चाहिए। अंत्येष्टि क्रिया से पूर्व ध्वज को शव से हटा लेना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षणिक संस्थानों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वजारोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्वों अर्थात 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर किसी विभूति का निधन होता है तथा राष्ट्रीय शोक घोषित होता है तब जिस इमारत में पार्थिव शरीर रखा गया है उस इमारत के ध्वज को आधा झुका देना चाहिए, लेकिन इन अवसरों पर अन्य सभी जगह कार्यक्रम एवं ध्वजारोहण सामान्य रूप से होगा। पार्थिव शरीर अंत्येष्टि के लिए बाहर निकालते हैं तिरंगे को पूरी ऊंचाई तक उस वक्त फहरा देना चाहिए। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जहां तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशय पूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। इसे वाहनों के हुड ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर नहीं लपेटा जा सकता। किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट्ट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता है। तिरंगे ध्वज को वंदनवार, ध्वज पट्ट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ किसी ध्वज की नहीं है, बहुत से लोगों के लिए बस एक महज कपड़े का टुकड़ा हो सकता है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं सकते हैं कि ये राष्ट्रभक्ति के प्रतीकों में क्या रखा है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आप जब एक राष्ट्र के ध्वज तले खड़े होते हैं तो वो ध्वज कौन सा होता है। उस ध्वज की अपनी एक अस्मिता होती है, वो एक प्रतीक है कि हम इस राष्ट्र के ध्वज के तले खड़े रहकर इस देश की नागरिकता का सम्मान करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि इस ध्वज को कभी झुकने नहीं देंगे। उस ध्वज का झुकना इस राष्ट्र के स्वाभिमान का झुकना है, वो ध्वज जिसके लिए इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम देख सकते हैं कि अमेरिका का ध्वज हो, ब्रिटेन का ध्वज हो, अन्य दूसरे ध्वज हो, लोग उसकी टोपी चड्डी बनाकर पहनते हैं, लेकिन भारत का ध्वज है, उसने शुरुआत से अपनी अस्मिता कायम रखी है, उसकी एक संहिता है, उस संहिता को हमने जाना और हम ईमानदारी से ये कोशिश करें कि उस संहिता को, उस सम्मान को बनाए रखें। वो ध्वज हमारी राष्ट्रभक्ति का, हमारे देश के स्वाभिमान का प्रतीक है और वो यूं सदा हवा में स्वाभिमान के साथ लहराता रहे, यही हम सबकी ख्वाहिश है, यही हम सबकी इच्छा है।